सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। अधिवक्ता संघ राठ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। बार एसोसिएशन राठ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का 2021-22 का शपथ ग्रहण समारोह तहसील सभागार में संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को उप जिलाधिकारी राठ ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक मनीष अनुरागी, विशिष्ट अतिथि के रूप में जयंती राजपूत ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक मनीष अनुरागी ने कहा कि जो अधिवक्ताओं द्वारा अपनी मांगें मुझसे व सरकार से रखी गई हैं, मैं उसका प्राथमिकता के साथ कार्य कराऊंगी। अध्यक्ष व मंत्री द्वारा मुझे प्रस्ताव दिया जाए ताकि मैं बार के हित में जो कार्य है उन्हें सरकार से कराने का प्रयास करूं। आज जो भी मांगें रखी गई हैं उस बार में मुझे विगत वर्षों में अवगत नहीं कराया गया। अब मैं बचे अल्प समय में इसको पूरा कराने का प्रयास करूंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत ने कहा कि मैं विधायक जी के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान कराऊंगी। शपथ समारोह को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी अशोक कुमार यादव ने कहा कि बार और बेंच के संबंध बेहतर बनाकर चला जाएगा। जो भी न्यायालय से संबंधित कमियाँ हों उन कमियों को अध्यक्ष व महामंत्री बताएं, मैं उनका निदान करूंगा। नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष गणपत सिंह महान और महामंत्री सोहित मिश्रा ने कहा कि बार के लिए हम कार्य करेंगे तथा किसी भी अधिवक्ता का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। अदालतें लाने के लिए हम जनप्रतिनिधियों से शीघ्र संपर्क करेंगे। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र पाल सिंह एडवोकेट ने किया। शपथ समारोह के दौरान तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार सिंह, सब रजिस्ट्रार राठ, प्रभारी निरीक्षक राजेश त्रिपाठी, केजी अग्रवाल, काशी प्रसाद गुप्ता तथा अधिवक्ता गण मौजूद रहे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।